हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी ओंकार जी के क्लासेस में। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि स्फेरिकल मिरर कैसे ऑब्जेक्ट से एमिट होने वाली रेस को रिफ्लेक्ट करता है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्फेरिकल मिरर के लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच का क्या रिलेशन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। साइन कन्वेंशन के बेसिस पर कॉनकेव मिरर के लिए यू वी और आर के बीच का रिलेशन निकालने के लिए हम एज्यूम करते हैं कि सपोज एक स्फेरिकल मिरर के एक्सिस पर पॉइंट ओ रखा है। अब इस ऑब्जेक्ट से एमिट होने वाली दो रेस को ट्रैक करते हैं। सपोज दो रेस फिगर के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट से एमिट होकर मिरर पर फॉल करती हैं। रिफ्लेक्शन के बाद रेस ओ ए परपेंडिकुलर ए सी से सेम एंगल थीटा बनाते हुए पाथ ए आई फॉलो करती हैं और रे ओ पी रिफ्लेक्शन के बाद सेम पाथ फॉलो करेगी क्योंकि ये रे अलोंग द नॉर्मल टू द पॉइंट पी है। तो इस तरह ओ का इमेज आई पर बनता है। अब सपोज ओ ए प्रिंसिपल एक्सिस से अल्फा एंगल बनाती है, नॉर्मल ए सी प्रिंसिपल एक्सिस से बीटा एंगल बनाता है और रे ए आई प्रिंसिपल एक्सिस से गामा एंगल बनाती है। तो अब अगर हम इस इमेज को देखें तो OP डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल होगा, CP रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर होगी, PI डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल होगी। अब अगर ट्रायंगल OAC को देखें तो बीटा के एक्सटर्नल एंगल होने की वजह से बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा होगा और ट्रायंगल AOI को अगर देखें तो गामा एक्सटर्नल एंगल होने की वजह से गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस टू थीटा होगा। अब इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करने पर 2 बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा आएगा। अब अगर पॉइंट ए पॉइंट पी के बहुत क्लोज है तो अल्फा इज इक्वल टू ए पी बाई ओ पी, बीटा इज इक्वल टू ए पी बाई सी पी और गामा इज इक्वल टू ए पी बाई आई पी होगा। अल्फा बीटा और गामा के ये वैल्यूज इक्वेशन 3 में रखने पर 2 ए पी बाई पी सी इज इक्वल टू ए पी बाई पी ओ प्लस ए पी बाई पी आई आएगा। अब क्योंकि साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग डिस्टेंस PO, PI और PC नेगेटिव हैं, इसलिए OP इज इक्वल टू माइनस यू, IP इज इक्वल टू माइनस वी और PC इज इक्वल टू माइनस आर होगा। इन वैल्यूज को इक्वेशन 4 में रखने पर 2 इंटू माइनस वन बाई आर इज इक्वल टू माइनस वन बाई यू प्लस माइनस वन बाई वी है, जो हमको फर्दर सॉल्व करने पर 2 बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी देगा। तो इस तरह हम ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का रिलेशन निकाल लेते हैं। चलिए अब देखते हैं हम कैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर को फोकल लेंथ में कन्वर्ट करके यू वी और एफ के बीच का रिलेशन निकालते हैं। अब अगर u इन्फिनिटी है तो v इज इक्वल टू एफ होगा। इन वैल्यूज को इक्वेशन 5 में रखने पर f इज इक्वल टू r बाई 2 होगा। यही स्फेरिकल मिरर के लिए f और r के बीच का रिलेशन है। इस रिलेशन के बेस पर f और u का रिलेशन इक्वेशन 5 से 1 ओवर f इज इक्वल टू 1 ओवर u प्लस 1 ओवर v आता है, जो f, u और v को रिलेट करता है और ये स्फेरिकल मिरर के लिए इस फॉर्मूले को मिरर फॉर्मूला भी कहते हैं। चलिए इस बेसिस पर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर से 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है और मिरर का फोकल डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है। अब अगर ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर शिफ्ट करते हैं तो इमेज में क्या डिस्प्लेसमेंट होगा। ये क्वेश्चन नीट 2018 में आया था। चलिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले फिगर 1 के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाते हैं। पहले केस के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर है और मिरर का फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। तो इस केस के लिए इक्वेशन 1 by f1 is equal to 1 by u1 plus 1 by v1 में अननोन के वैल्यूज रखने पर v1 is equal to minus 24 सेंटीमीटर आता है। चलिए अब सेकंड केस देखते हैं। जब ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स द मिरर 20 सेंटीमीटर शिफ्ट किया गया है तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इमेज पता करना है। इसके वापस से मिरर इक्वेशन देखते हैं और नोन के वैल्यूज रखते हैं। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो v2 is equal to minus 60 सेंटीमीटर आता है। तो शिफ्ट इन द इमेज विल बी डेल्टा v इज इक्वल टू v2 माइनस v1 होगा। इसमें v2 और v1 के वैल्यूज रखने पर डेल्टा v इज इक्वल टू माइनस 60 माइनस माइनस 24 सेंटीमीटर आएगा, जो सॉल्व करने पर डेल्टा v इज इक्वल टू माइनस 36 सेंटीमीटर वैल्यू देगा। इसलिए इस इक्वेशन का सही आंसर b है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कॉनकेव मिरर जिसका फोकल लेंथ f1 है वो डिस्टेंस
डी पर रखा है फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ टू। तो एक बीम ऑफ लाइट जो इन्फिनिटी से आ रही है और कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस के कॉम्बिनेशन पर गिरकर इन्फिनिटी पर रिटर्न होती है, तो लेंस और मिरर के बीच का क्या डिस्टेंस है? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर बनाते हैं। जो फिगर के अकॉर्डिंग आता है, हम जानते हैं कि इन्फिनिटी से आने वाली रेज फोकस पर कन्वर्ज होती हैं, तो इसलिए लेंस और पॉइंट ऑफ फोकस के बीच का डिस्टेंस F2 होगा। अब क्योंकि रेज ओरिजिनल पाथ को रिट्रैक्ट करके ही इन्फिनिटी पर जाएंगी, तो पॉइंट C मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो C और मिरर के बीच का डिस्टेंस 2F1 होगा, तो इसलिए डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड लेंस F2 प्लस 2F1 होगी, इसलिए ऑप्शन C करेक्ट है। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।